अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर व खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से हम बिल्कुल ठीक हैं। और मेरे जितने प्यारे बहन भाई देखने वाले हैं, अल्लाह पाक उन्हें खुश और आबाद रखे, अपनी फैमिली में हंसता मुस्कुराता रखे। तो इसी नेक दुआ के साथ वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अभी शाम का टाइम है और फातिमा नहीं आई मेरे साथ, वो हाथ मुँह धो रही है। वो कहती है मैं हाथ मुँह धो के फिर आऊँगी वीडियो में। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि सारा दिन बच्चों के साथ खेलती रहती है ना, तो फिर इसलिए लकड़ी मैंने बना के रखी हुई है। और लकड़ी भी लेकर चलती हूँ और किचन की सफाई भी थोड़ी करते हैं। हवा भी आज चली हुई है, ठंडी ठंडी लगता है। रात सर्दी और भी ज़्यादा होगी। आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजल व करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो प्यारे ज़्यादा सकते हैं, तो शाम का टाइम आए तो आज हम दाल बना रहे हैं। तो अभी मैं कपड़े लहाती हूँ। तो पहले बार अम्मी ने शेव और मेरे कपड़े धोते हैं, तो अभी इनको रख देते हैं। आप देख सकते हैं अम्मी ने सुबह सुबह कपड़े की सफाई की। मेरे पास शेव मैट खेलने चला जाता है, क्योंकि हम वीडियो बनाए तो वो नहीं आता, कहता मैं नहीं बनाता। तो वो सुबह जब वीडियो बनाए तो फिर आ जाता है। देखिए चार सामान कटा करके बैठ गई है चूल्हे में। तो अभी अम्मी दाल गल गई है, बस थोड़ी सी देर है जब तक मैं आटा भी गूंध लेती हूँ, फिर दाल भी उबाल हो जाएगी, फिर दाल बनाएंगी। आज शेव के काम देखो, सब्जी लेने के लिए भेजा था कि अपना प्याज भी लेकर आने आया है, टमाटर भी, और साथ में थोड़ी सी मेथी लेकर आया है, वो भी इतनी थोड़ी सी। धनिया नहीं लेके आया? हाँ, धनिया भी साथ में, वो तो है थोड़ी है। तो कहाँ के फल हैं? ये मेथी इसलिए लेकर आया था, वो कह रहा था मुझे ना दिन को बना के दोपहर को देनी है। फिर मैंने कहा चलो ठीक है मैं बना के देती हूँ। फिर जब खेलने के लिए काम स्कूल का ख़त्म करके खेलने गया, अभी तक वापस भी नहीं आया। फिर मैंने सोचा चलो फातिमा को ये रख देते हैं, फातिमा और मैं अभी भी लोग भी बनाते हैं। तो मैं आटा गूंथती हूँ, ये पानी तो भर के ले आऊँ, मैं प्याज काट लेती हूँ, फिर तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे ना। भी काटती हूँ, पानी फातिमा लेकर आ जाए, थोड़ा इसमें पानी डालेंगे ना, फिर इसलिए इसकी ऊपर से छिलके भी जल्दी उतर जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुएब के अब्बू की तबीयत भी बेहतर हो गई है, उसने वो तो दाल नहीं खाता, इसलिए मैंने ना वो अंडे लेकर आया था, तो दो अंडे मैंने दाल में डाल के रखे हुए हैं, तो वो उबाल हो जाएंगी। ये देखें जैसे दाल ही उबाल हो जाएगी, फिर अंडे भी फिर निकाल के रख देंगे। अरे भाई हमने प्याज काट ली है, तो प्याज भी मैंने काट के रख दिए हैं, टमाटर भी, तो आटा गूंथ लेती हूँ ताकि ये रस जाएगा अच्छी तरह। तो दाल भी उबाल होने वाली है, बस थोड़ी सी देर है। Thank you.
फातिमा तुम बैठ जाओ, ये धनिया है ना, इनके पत्ते तोड़ के पहले ये अंडे ना अंदर जाके रखो। गरम करती है निकल दुनिया। तो पहली बात आप देख सकते हैं मैं धनिया तोड़ रही हूँ। हमारी दाल भी तैयार हो चुकी है, ये धनिया ऊपर से डाल देते हैं। रोटा बना रही है। हाँ, आज दाल बहुत ही मज़ेदार बनी हुई है। ये सामान सारा उठा के अंदर रख दो। नमक रहने दो, बाकी सब रख दो अंदर। अभी फातिमा बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि इसको ना भूख लगी हुई थी तो इसलिए इसने पहले खाना शुरू कर दिया है। बहुत ही टेस्टी बना है। तो आज हमारी शाम की रूटीन है, आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है। तो यहाँ पे मेरी बेटियाँ दो सोती हैं, तो वीडियो का भी एंड करते हैं। और वीडियो के आखिर में भी मैं अपने तमाम प्यारे बहन भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको भी ढेर सारी खुशियाँ दे, अपनी फैमिली में हंसता मुस्कुराता रखे। इंशाल्लाह हम अच्छे व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।